चलिए दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी बंधकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। मेन बात दोस्तों, इस समय खबर ऐसी आ रही है कि समुद्री लुटेरे जो कि ईरान के 11 सैनिक और 8 पाकिस्तान के मछुआरों को बंधक बना लिए थे, उनसे इंडियन नेवी ने उन सभी को बचाया है। भारतीय नौसेना जंगी जहाज INS शारदा 31 जनवरी 2024 को सूचना मिली कि सोमालिया के पूर्वी तट के पास एक ईरानी बोट पर समुद्र के लुटेरों ने हमला किया। तत्काल सर्विलांस शुरू किया गया। सागर में ईरानी झंडे वाले FPO मारी बोट को ट्रैक कर लिया और ट्रैक करने के बाद दोस्तों उसका लोकेशन INS शारदा युद्धपोत पर भेजा गया। इसके बाद जंगी जहाज बंधक बोट की तरफ तेजी से बढ़ा। 2 दिनों तक उमारी के मछुआरों को समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाए रखा। 2 फरवरी 2024 को युद्धपोत शारदा के जहाज पर इंसेप्ट किया। नौसेना ने पहले ही हेलीकॉप्टर एयर डोमिनेंस दिखाया और इसके बाद फास्ट बोट से नौसैनिक कमांडो को तेजी से उमारी जहाज की तरफ भेजा और भारतीय कमांडो को अपनी तरफ आते देख समुद्री लुटेरों ने हाथ खड़े कर दिए। इस जहाज में 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी बंधकों को मुक्त कराया गया। इसके बाद दोस्तों कमांडो ने सभी 7 सोमालियों समुद्री लुटेरों को भी पकड़ लिया। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने के जंगी जहाज जहां हिंद महासागर क्षेत्र IOR में लगातार तैनात हैं। 2008 में भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तट पर एंटी पायरेसी पेट्रोल के लिए कई यूनिट्स तैनात कर रखी हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको तो पता ही चल गया होगा कि इंडिया की बढ़ती पावर। भारतीय नौसेना ने अब तक कुल 3,440 जहाजों और 25,000 से अधिक नाविकों की सुरक्षित बचाया है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और अतिरिक्त नौसेनाओं समुद्री बलों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रही है। भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों से नावों को सुरक्षित रखने के लिए 25 भागीदारी देशों और 40 से अधिक देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही नौसेना लगातार इन मामलों में सक्सेस और रियल टाइम की सूचना मिलती रहती है। तो दोस्तों आप लोग को पता चला कि किस तरीके से अपनी भारतीय सैनिक सेना ने 8-11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी बंधकों को भी बचा लिया है। ये तो हम लोग को बहुत गर्व करने की बात है। और दोस्तों इस तरीके की जब भी हम लोग को कोई भी खबर मिलती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों भारतीय सेना समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में है। भारतीय सरकार ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFC IOR की स्थापना भी की है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में त्रों की स्थिति के कारण नौसेना जंगी जहाज जबूती अदन की खाड़ी उत्तर प्रदेश मध्य सागर और सोमालिया के पूर्वी तट पर तैनात किया जा रहा है। तो दोस्तों ये है इंडिया की पावर जो कि अब बढ़ती दिख रही है। BJP सरकार ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन दोस्तों सुरक्षा बहुत ही बढ़ा दी है, बहुत तगड़ी कर दी है। अब तो इंडिया अपने ही देश करीब दूसरे देशों की भी सुरक्षा कर रहा है। बाकी आप लोग को क्या लगा कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय भारत जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।